हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं FY BCOM का सेकेंड सेम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर्स। तो फर्स्ट चैप्टर्स में हमने एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसको हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सेकेंड एक्सरसाइज का जो बेसिक फंक्शंस है इकोनॉमिक फंक्शंस वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। देन इसके बाद इसका हम इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, साथ ही साथ हम इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपना इकोनॉमिक फंक्शंस। बेसिकली इकोनॉमिक फंक्शंस क्या होता है ये आपने इकोनॉमिक के अंदर सीखा होगा। अगर आपको इकोनॉमिक का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो मैथमेटिक के बेसिस पे इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो इकोनॉमिक फंक्शन है क्लास वो डिपेंडेंट होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, जितना मार्केट डिमांड होगा उतना सप्लाइड होगा या उससे ज़्यादा भी सप्लाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करती है ताकि वो कस्टमर के जो भी डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सके या वहाँ तक वो पहुँच सके और अपने कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है, अब ये रेवेन्यू क्या होता है और वो कंपनी किस तरीके से जनरेट करती है, क्या डिमांड किसी और फैक्टर से रिलेटेड होता है या सप्लाई किसी और फैक्टर से रिलेटेड होता है, क्या सप्लाई और डिमांड इक्वल हो सकता है, क्या डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है या सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस माइंड में आते रहते हैं, तो चलिए इसको वन बाय वन हम समझते हैं। बेसिकली जो डिमांड और सप्लाई होता है ये हमेशा रिलेटेड होता है प्राइस से। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे जो डिमांड होता है ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से, तो जिसके वजह से महंगाई आ जाती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो इसके वजह से महंगाई आ जाती है और जिसके वजह से प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। आप देखो जब प्राइस हाई होता है तो सप्लाई लो हो जाता है। ठीक है, कब ये होता है, जब ये रिसेशन का पीरियड आता है या जब महंगाई का पीरियड आता है, जब या तो मार्केट में कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केट में बहुत ही कम हो अवेलेबल्स और उसके बेसिस पे जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है यानी कि लोगों को वो चाहिए। जैसे कि आप देखोगे रिसेंटली जो केसेस थे, ठीक है, 3 या 4 साल पहले के, जिसमें ओनियन का प्राइस 120-150 तक पहुंच गया था, उस समय डिमांड भी था लेकिन लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं थी जिसके बेस पे उसको परचेस कर सके, इसीलिए सबने लो क्वान्टिटी में बाय करना चालू कर दिया। लेकिन डिमांड था, ठीक है, डिमांड था कि सबको चाहिए ओनियन, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है इसलिए प्राइस क्या हो गया था, हाई हो गया था। क्लियर? तो ये कभी कभी इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाता है डिमांड सप्लाई और प्राइस के अंदर। तो डिमांड बेसिकली और सप्लाई जो है ये दोनों जो फंक्शंस है ये प्राइस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस, ठीक है, डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, डिमांड फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइस फंक्शन से, दैट इज मीन्स डी इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। डिमांड फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका डिमांड भी हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस में भी शायद कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंडेड है। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया है तो मैं उसके लिए ज़्यादा डिमांड करूँगा, मैं उसको ज़्यादा परचेस करूँगा, लेकिन उसको मैं उतना ही हद तक परचेस करूँगा जितना मुझे उसका यूज़ है, मैं उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, एट द टाइम ऑफ दिवाली, ठीक है, तो उस समय शुगर कि जो प्राइसेस होती है वो हाई हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो डिमांड भी ज़्यादा हो गया, प्राइस भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये सम सर्टन केसेस में ये अप्लाइड होता है, हर एक केसेस में ये अप्लाइड नहीं होता। ठीक है, अगर नॉर्मल डे में जहाँ पे कोई भी फेस्टिवल नहीं है वहाँ पे अगर शुगर का प्राइस हाई हो जाएगा तो लोग उसको डिमांड कम करने लग जाएंगे। ठीक है, जिसके बेसिस पे डिमांड फंक्शंस क्या हो जाएगा, प्राइस के बेसिस पे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ रहे हो? सेम उसी तरीके से सप्लाई फंक्शंस भी है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा आपको सप्लाई करना पड़ जाएगा, तो इसके बेसिस पे प्राइस के बेसिस पे ही होता है। अगर मेरे पास पैसा है, ठीक है, मेरे पास इनकम है, मेरी परचेसिंग पावर्स है, तो मैं उस गुड्स को, उस कमोडिटी को परचेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई भी होता रहेगा मार्केट में। तो सप्लाई फंक्शंस को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे प्राइस से, दैट इज मीन्स यहाँ पे लिखेंगे अभी एस, एस फॉर सप्लाई, सप्लाई फंक्शन, एफ फॉर पी। ठीक है, यहाँ पे आप G1 भी लिख सकते हो या G भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, एफ का फुल फॉर्म होता है फंक्शंस। ठीक है, तो सप्लाई इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, मतलब कि सप्लाई भी इंडिकेट या एक्सप्रेस करता है फंक्शंस ऑफ प्राइस को। कभी कभी जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है, ठीक है, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई, या वी सेड कि सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड, तो दैट टाइम क्लास आपके सामने
इक्विलिब्रियम, ठीक है, सॉरी, ये सिचुएशन आ जाता है, यानी कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लास, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि डिमांड फंक्शंस मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ पी, सप्लाई फंक्शंस क्या होता है, एस इक्वल टू एफ ऑफ पी, जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा क्लास टोटल रेवेन्यू फंक्शंस। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो जनरेट कैसे करती है, बाय सेलिंग। जितना ज़्यादा सप्लाई करेगी, जितना ज़्यादा डिमांड होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू होगा। यानी कि रेवेन्यू को हम सिंपल सा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेवेन्यू, आर फॉर रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, एक सिंगल यूनिट का प्राइस कितना है और मार्केट में डिमांड कितना है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू, ठीक है, या उसको हम टोटल रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल रेवेन्यू है तो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रेवेन्यू फंक्शंस होगा तो भी हम आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। आर इक्वल्स टू पी इंटू डी, मतलब प्राइस पर यूनिट, और डी मतलब आपका डिमांड कितना है, ठीक है। डी का मतलब हो सकता है आप मार्केट डिमांड भी बोल सकते हो। एवरेज रेवेन्यू सेम ऐसे ही निकालते हैं, एवरेज रेवेन्यू बहुत ही सिंपल सा है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई डी, ठीक है। आर मतलब कि आपको टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है और मार्केट में डिमांड कितना है, उसको डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। या तो आप सिंपल सा समझ सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट का प्राइस कितना है, यूनिट का प्राइस कितना है, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे भी हमने वही किया था कि रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट किया था हमने, पी इंटू डी, ठीक है। देखो या अगर इसको हम सॉल्व करें, पी कैसे आता है, तो आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी इंटू डी, मतलब पी इंटू डी अपॉन डी, तो ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, पी। तो उसको हम बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट फंक्शंस क्या होगा, टोटल कॉस्ट फंक्शंस का मतलब क्या होता है क्लास, ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सीखा होगा, अभी तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट का, वो क्या होता है, कॉस्ट इक्वल टू, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अभी ये फिक्स कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि जो मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में लगने वाले जो खर्चे हैं वो फिक्स ही होंगे, मतलब कि मेरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है किसी कमोडिटी को या किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे मुझे 30,000 लगता है, तो वो कंपलसरी मुझे 30,000 लगेगा, जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे अजम्पशन क्या, मुझे कोई भी ऐसा एक पार्ट समझ के चलना होगा कि जो मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में 30,000 का फिक्स कॉस्ट लगता है, तो मतलब वो हर साल 30,000 होगा, उससे वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो वर्कर्स है, ठीक है, उनको मैं एक फिक्स मंथली सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, विदाउट इंक्रीमेंट, तो जो मेरा फिक्स है तो वो मेरा फिक्स ही रहेगा, उसको मुझे देना ही है, वर्कर को कंटिन्यूसली देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कंपलसरी है, मुझे देना ही होगा, ठीक है। तो वैसे क्या हो जाएंगे, मेरे फिक्स कॉस्ट हो जाएंगे, मतलब मशीनरी का मेंटेनेंस हो गया तो वो फिक्स हो गया, तो मुझे उसको देने ही पड़ेंगे भले कुछ भी हो जाए, तो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट कंसिडर हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो क्या होता है कि वो प्रोडक्शन के बेसिस पे चेंज होते रहता है, ठीक है, प्रोडक्शन के बेसिस पे चेंज होते रहता है, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अगर मैं शॉर्टर डिस्टेंस से रॉ मटेरियल्स मंगा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो चेंज हो गया, अगर मैं लॉन्गर डिस्टेंस से मंगा रहा हूँ तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट बनता है, और वेरिएबल कॉस्ट के बहुत सारे कंटेंट है, ठीक है, जिसको हम समझ सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। याद रखिए, ऐसा कॉस्ट जो क्या होता है, प्रोडक्शन के बेसिस पे चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट क्या है, वो कंपलसरी उतने ही अमाउंट का कॉस्ट होगा इंकर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन, उसको हम बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। तो क्लास, हम फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मोस्ट ऑफ द हम मैथमेटिक्स के सम्स कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट आपको गिवेन होगा, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं गिवेन होगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट थिंग, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए सेम है, एसी लिखते हैं इसको शॉर्ट में, एवरेज कॉस्ट। पहले आपको देखते हैं कि आपका टोटल कॉस्ट क्या है, यानी कि सी, ठीक है, एंड इसको डिवाइड कर देना है पर यूनिट से, तो पर यूनिट को हम कंसिडर करेंगे एक्स, ठीक है, कि हमें पता ही नहीं है कि पर यूनिट है क्या, ठीक है, और कितने क्वांटिटी में, तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स क्या हो जाएगा आपका, पर यूनिट, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट वन आता है
प्रॉफिट फंक्शंस, ठीक है, प्रॉफिट सबको पता ही है, प्रॉफिट फंक्शंस कैसे निकलता है ये हमने बचपन से करते आ रहे, हमने सीखा हुआ है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेवेन्यू, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है उसमें से आप अपना कॉस्ट माइनस कर दो तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कॉस्ट यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सपोज़ करो ये जो मार्केट दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे लगा 10 रुपीज़, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 रुपीज़ लगा और मैं इसको मार्केट में 15 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, 15 रुपया मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 15 से मैं क्या करूँगा 10 रुपीज़ माइनस कर दूंगा तो 5 रुपीज़ मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, राइट। मैंने अर्न कितना किया, मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 15 रुपीज़ जनरेट हुआ, जिसमें से मेरा कॉस्ट था 10 रुपीज़, माइनस करने पर मुझे प्राइस यानी कि प्रॉफिट मिल गया मुझे 5 रुपीज़ का, तो ये प्रॉफिट फंक्शंस हो गया। तो बेसिकली क्लास यहाँ पे जो आप सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं वो सब इसी फॉर्मूलाज के बेसिस पे है, ठीक है, जहाँ पे आपको रेवेन्यू का फॉर्मूलाज बाहर होना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू कैसे मिलेगा, प्राइस इनटू मार्केट डिमांड, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कैसे मिलेगा, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू पी, आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हो प्राइस, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शंस कैसे मिलेंगे, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स। एंड प्रॉफिट फंक्शंस होगा आर माइनस सी, मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट। लेकिन इस प्रॉफिट के अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी है जिसको हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट को बनाने की मैं 10 रुपीस लिए, ठीक है, और मैं मार्केट में भी सेल कर रहा हूँ 10 रुपीस में, तो मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इसका मतलब होता है कि ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ, जितने का बनाया उतना मुझे रिसीव हो गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट। इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है क्लास रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, ठीक है, जितना मेरा कॉस्ट था जितना मेरा रेवेन्यू था, दोनों का मीनिंग और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। 10 रुपीज़ में बनाया, 10 रुपीज़ में सेल किया, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है, टोटल 8 फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न कर लेना है क्लास, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इलुस्ट्रेशन, ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि आपके टेक्सुअल इलुस्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे गिवेन है, इफ़ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज गिवेन बाय पी इक्वल्स टू 7 - d एंड सप्लाई इज पी इक्वल्स टू 3 + 3d, तो फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है क्लास, कि जहाँ पे आपको कोई भी ना प्रॉफिट हो सकता है ना लॉस हो सकता है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं जितना सप्लाई होगा उतना डिमांड होगा, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटीज, ठीक है। आपको डिमांड के लिए प्राइस गिवन है, डिमांड फंक्शंस पे प्राइस क्या गिवन है कि पी इक्वल्स टू 7 - d और सप्लाई पे गिवन है 3 + 3d, तो आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि डी इक्वल्स टू एस। तो डी मतलब कि आपका हो गया डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन है 7 - d इक्वल्स टू सप्लाई फंक्शन है 3 + 3d, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे क्लास, जो 3d है उसको शिफ्टेड करते हैं और जो 7 न्यूमेरिकल्स है उसको हम 3 की तरह शिफ्टेड करते हैं, मतलब ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, मतलब -d - 3d इक्वल 3, हमने इधर पे कॉपी किया, 7 प्लस में इस साइड आएगा तो -7, इसको माइनस करेंगे तो -4 और इसको करेंगे तो -4d, ठीक है। तो d इक्वल्स टू -4 / -4, तो आंसर आ जाएगा क्लास d = 1, यानी कि डिमांड कितना होगा, 1 होगा क्लास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे प्राइस एंड द क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है फाइंड द प्राइस एंड द क्वांटिटीज। तो क्लास बहुत ही सिंपल सा है, प्राइस कैसे निकालेंगे, अभी पी लिखा हुआ है हमने यहाँ पे 7 - d, डी की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस करेंगे तो प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी 6, ठीक है। और डिमांड है, तो डिमांड मतलब कि क्वांटिटी में कितने डिमांड है, 1 यूनिट का डिमांड है सिर्फ मार्केट में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वन प्राइस निकालेंगे क्लास, तो पी इक्वल्स टू 7 - d, राइट, तो दैट इज मीन 7 - 1, तो आंसर आएगा क्लास 6, यहाँ तक क्लियर। अब इसका स्टेटमेंट देंगे क्लास, ठीक है, स्टेटमेंट है यहाँ पे
द इक्विलिब्रियम प्राइस इज रुपीज 6 एंड क्वांटिटी इज 1। ठीक है, तो बस इतना स्टेटमेंट देना है आपको। नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्लास, यहाँ पे गिवन है कि द टोटल फंक्शन सी, टोटल फंक्शन आपको दे दिया हुआ क्लास। ठीक है, टोटल फंक्शन ऑफ कॉस गिवन है कि 4 + 3x + x² तो मतलब आपको टोटल कॉस दिया हुआ है 4 + 3x + x² और आपको फाइंड आउट करना है क्लास कॉस और उसका आपको x की वैल्यू गिवन है क्लास। फाइंड द कॉस व्हेन x इक्वल्स टू 10 एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज कॉस व्हेन x इक्वल्स टू 4 यूनिट। तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट के बेस पे क्या करना है आपको अभी एवरेज कॉस्ट निकाल लेना है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, कॉस डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, एक्स से आपको डिवाइड कर देना है तो कॉस कितना आपके पास 4 + 3x + x² अपॉन में एक्स। इसको इंडिविजुअल लिखेंगे मतलब 4 + 3x + x² / x ऐसा लिखेंगे क्लास। ठीक है, देन यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचा 4 / x + 3 + x, राइट। तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे गिवन है, अभी आपको इसका प्राइस निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो आपको क्या करना होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 10 यूनिट। ठीक है, अगर टोटल कॉस्ट ये है तो x की वैल्यू कितनी होगी 10, तो x के प्लेस पे हम 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो c इक्वल्स टू 4 + 3 और x के प्लेस पे 10 आएगा और x के प्लेस पे 10 स्क्वायर, तो 4 + 3 × 10 = 30 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, इसको प्लस कर देते क्लास तो आंसर आएगा 134। ठीक है, तो टोटल कॉस इज रुपीज 134। तो ये टोटल कॉस्ट का आ गया क्लास। अब एवरेज कॉस्ट करके निकालते हैं, जब आपका एवरेज कॉस्ट होगा फाइंड आउट करने के लिए तो आपको x की वैल्यू कितनी होगी 4, तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 4 तो x के प्लेस पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है 4। ठीक है, x के प्लेस पे क्या करना है आपको सब्स्टिट्यूट करना है 4, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमने x 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे भी x है तो x के प्लेस पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है। चलो 4 × 1 = कैंसिल हो गया क्लास, 1 आ गया। ठीक है, 3 + 4 इसको प्लस कर देंगे 4 + 3 + 1 तो आएगा आंसर 8। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज रुपीज 8, तो एवरेज कॉस्ट कितना होगा 8 रुपीज होगा। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितना होगा 134। अगर मैं टोटल प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे 134 लगता है और मैं एक इंडिविजुअल यूनिट का प्राइस निकालूँ एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे तो कितना होगा 8 रुपीज पर यूनिट। आयो क्लास कि ये दोनों इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है कि इफ द डिमांड फंक्शन इज, ठीक है, p = 10 - 2d एंड फाइंड द टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू व्हेन डी इज 3 यूनिट। इसका मतलब क्या है क्लास, आपको डिमांड फंक्शन गिवन है प्राइस फंक्शंस के बेसिस पे, यानी कि डिमांड फंक्शंस कब होगा क्लास, जब आपका प्राइस कितना होगा 10 - 2d, मतलब आपको यहाँ पे डिमांड फंक्शन गिवन है मतलब डी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और तो यहाँ पे लिखेंगे p = 10 - 2d, ये हो गया आपका डिमांड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फंक्शन। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, जो कि मैंने इसके पहले आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर दिया कि आप टोटल रेवेन्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्लास टोटल रेवेन्यू, ठीक है, इन द ब्रैकेट ऑफ आर, तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है p × d। पी का मतलब क्या होता है प्राइस और डी का मतलब डिमांड फंक्शन कितना है। ठीक है, तो बेसिकली अभी यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पहले रेवेन्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी है 10 - 2d और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्लास डी में, तो पी की वैल्यू कितनी है 10 - 2d और डी से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इसका आंसर कितना आएगा 10d - 2d². ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू और यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करना है व्हेन डी इज 3 यूनिट और डी की वैल्यू कितनी होगी 3 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर व्हेन, ठीक है, d = 3, अगर d की वैल्यू 3 होती है तो टोटल रेवेन्यू का एग्जैक्ट कितना रेवेन्यू होगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्लास, ठीक है। तो 10 यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2 3 का स्क्वायर, तो 10 3 जा 30 माइनस, ठीक है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 2 जा 18, तो 30 में से 18 माइनस कर देंगे तो आएगा आंसर 12, ठीक है। अगर टोटल रेवेन्यू का डिमांड अगर 3 होगा तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, एग्जैक्ट 12 रुपीस, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, अभी एवरेज रेवेन्यू भी निकालना है। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू पी यानी कि प्राइस। तो अपने पास प्राइस कितना है, देखो प्राइस कितना है, पी की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 2D ये वैल्यू है। तो इसमें भी सेम दिया हुआ है कि अगर एवरेज रेवेन्यू आता है क्लास तो आप बताइए कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो सकती है अगर डी यानी कि डिमांड, मार्केट डिमांड 3 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे क्लास, इसमें 10 सेम ऐसे आएगा माइनस 2, डी के प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 कितना होगा, 4, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना होगा क्लास, 12, और एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, 4 रुपीज़। आयो क्लास, ये इल्यूस्ट्रेशन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। चलिए इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन सी इक्वल्स टू 500 + 15x एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन 700 + 5x, देन क्लास फाइंड द नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, दैट इज मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन 500 + 15x है और रेवेन्यू फंक्शन आपका 700 + 5x है, तो आपको बताना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस जो कंडीशन है या केसेस है वो कितना आएगा, मतलब कि कितने यूनिट पे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा नो प्रॉफिट या नो लॉस हो सकता है। तो क्लास आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का बेसिक जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो यहाँ पे हम अप्लाइड करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, व्हेन नो प्रॉफिट, ठीक है, कॉमा नो लॉस, दैट इज मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट केस अप्लाइड या कंडीशन अप्लाइड, देन आर इक्वल टू सी, मतलब रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट। तो रेवेन्यू कितना है मेरे पास, टोटल रेवेन्यू कितना है, 700 + 5x, और कॉस्ट कितना है, 500 + 15x, ठीक है। तो ये जो x वाला कॉन्सेप्ट है उसको वन साइड करते हैं, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट वन साइड करते हैं। तो मतलब 5x - 15x इक्वल टू 500 - 700, माइनस करेंगे तो -10x, इसको माइनस करेंगे तो -200। तो x इक्वल टू -200 डिवाइड बाई -10, मल्टीप्लीकेशन में है 10, तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 यूनिट। तो देयरफॉर यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट इज x इक्वल टू 20। आई क्लास, ये जो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8 पे। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब मैन्युफैक्चरर्स हैज अ पुट ₹30,000 एज अ इनिशियल कॉस्ट एंड अ वेरिएबल कॉस्ट ₹20 पर यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बैटरीज। इफ ईच बैटरी कैन बी सोल्ड फॉर ₹40 एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फंक्शंस, एंड ऑल्सो यू हैव टू बी फाइंड द नंबर ऑफ द बैटरीज टू बी प्रोड्यूस टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्लास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक मैन्युफैक्चरर है जो बैटरी को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि उसका इनिशियल कॉस्ट कितना लगने वाला है, 30,000, ठीक है। तो एंड सेकेंड थिंग, उसका वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है 20 पर यूनिट। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे बताया हुआ है कि आपको कि पर यूनिट पे 20 रुपीज आपका वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट इट मे बी ये चेंज होगा क्लास, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो 20 रुपीज पर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, और लेकिन इनिशियल कॉस्ट को हम बोलेंगे क्लास फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है, 30,000, ठीक है, और ईच बैटरी को वो सेल कर रहा है ₹40 में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको सबसे फर्स्ट वन क्या बताना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं क्लास, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के इंट्रो में। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। तो टोटल कॉस्ट क्या हो सकता है, ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट,
तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे क्लास? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, 30,000 आपका लगने ही वाला है, 30,000 आपका कॉस्ट इंकर्ड हो गई ही बिजनेस के अंदर। एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है पर यूनिट। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट करना होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट को हम एक्स कंसिडर करते हैं क्लास। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं क्लास। ठीक है, 30,000 प्लस 20x, तो इसको वैसे रखेंगे क्योंकि ये प्लस नहीं करना, क्योंकि 20 के साथ क्या है? x है, यानी कि वेरिएबल है। तो 20 और 30,000 प्लस नहीं होगा अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल गया, यहाँ पे था फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 30,000 प्लस 20x। नेक्स्ट है टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? टोटल रेवेन्यू, इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू पी इंटू डी। ठीक है, पी मतलब क्या होगा क्लास? प्राइस। ठीक है, और डी मतलब डिमांड कितना है मार्केट में। दैट इज मीन्स यहाँ पे डी मतलब हो जाएगा क्लास मार्केट डिमांड, मतलब कि एक्स यूनिट यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ डिमांड होगा क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे पी मतलब प्राइस क्या होगा आपका? सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आपका सेलिंग प्राइस होता है क्लास। सेलिंग प्राइस कितना है? 40। और डिमांड फंक्शंस को हम कंसिडर करेंगे एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपका डिमांड फंक्शन क्या होगा? एक्स की, एक्स यूनिट पे हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्स यूनिट क्या होगा? मार्केट में सेल होगा। तो उसके लिए हम डी यानी कि मार्केट डिमांड और इधर पे एक्स, दोनों का मीनिंग एक ही होगा क्लास। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू आ गई 40x और टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ गई 30,000 प्लस 20x। अभी आपको निकालना है प्रॉफिट, तो बेसिकली प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू आ गया अपने पास 40x माइनस कॉस्ट आ गया अपने पास 30,000 प्लस 20x। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 40x माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो मतलब माइनस 30,000, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 20x। तो इसका मीनिंग आएगा क्लास, मतलब 40 में से हम क्या करेंगे? 20x को माइनस कर देंगे, तो 20x माइनस ये 30,000, तो ये आंसर आएगा क्लास। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 20x माइनस 30,000। अभी यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल्सो द फाइंड द नंबर ऑफ द बैटरीज टू बी प्रोड्यूस टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? ब्रेक इवन पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू सी। ठीक है, आर इक्वल टू सी मतलब कि रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, या तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं नो प्रॉफिट कॉमा नो लॉस। ठीक है, ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे लॉस हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ प्रॉफिट इक्वल टू ज़ीरो। सीधा प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी ये जो इस प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट के प्लेस पे क्या आएगा? ज़ीरो इक्वल टू 20x माइनस 30,000 बराबर। अब ये 30,000 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा 30,000 माइनस है तो प्लस में आ गया 20x। ठीक है, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, मतलब कि 20x इक्वल टू 30,000 और x इधर ही रहेगा क्लास, 20 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30,000 डिवाइड बाई 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी क्लास 0, 0 कैंसिल, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1,500। यानी कि 1,500 अगर हम बैटरी प्रोड्यूस करेंगे तो मैन्युफैक्चरर को नो प्रॉफिट और नो लॉस कंडीशन जैसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे इसका देयरफॉर। ठीक है, यहीं से स्टेटमेंट उठाएंगे द नंबर ऑफ बैटरीज टू बी प्रोड्यूस टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट एट x इक्वल टू 1,500। देखिए, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्लास।
जहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट और उसके बेसिस पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी फाइंड आउट करना था। चलिए क्लास, अब हम मूव ऑन करेंगे इल्यूस्ट्रेशन 9 पे, लेकिन इल्यूस्ट्रेशन 9 हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।